हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं मिक्की स्वागत करती हूँ आपकी यूट्यूब चैनल एम की किचन में। फ्रेंड्स, आज देखिए ये सब्जी जो बनाने जा रही हूँ, ये दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी है। ये कंटोला की सब्जी है। ये कंटोला में एक दो नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसको दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी भी कहते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कंटोला में प्रोटीन, सोडियम, क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसीलिए इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसको दुनिया के सबसे ताकतवर सब्जी कहे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाती हूँ। बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली हूँ और इसके पोषक तत्व बने रहे इसके लिए इसको ना उबालना है और ना तो ज़्यादा ओवर कुक करना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाली हूँ और इसमें थोड़ी सी जीरा और 1 लाल मिर्च डाल दिए हैं। तड़के ये जीरा तड़क गए हैं। अब इसमें जो सब्जी काट के धो के रखी हूँ वो कटिंग जो की हूँ, ये देखिए जैसे आलू की कटिंग करती हैं फ्रेंड्स, उस तरह मैंने इसका कटिंग कर ली हूँ। और देखिए इसका कटिंग गोल भी होते हैं। उसका भी मैं सब्जी बनाई हूँ पोस्तों के साथ, तो फ्रेंड्स उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर देखिएगा। वो भी पनीर जैसे शाही पनीर बनते हैं फ्रेंड्स, उस लाइक में बनाई हूँ उसको और बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, तो जाके ज़रूर देखें। इसको देखिए मैंने ढक दी हूँ 1 मिनट के लिए, इसको ढके उसके बाद इसको देखिए फिर से इसमें कुछ भी नहीं डाले थे, ऐसे ही ढक के इसको पका लिए 1 मिनट, ताकि ये ठीक से जो कढ़ाई में डाले हैं तो वो पानी ना छोड़े। और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दी हूँ। नमक और हल्दी स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी सी नमक डालने के बाद इसको फिर से हल्दी और नमक एक बार ही डालेंगे, क्योंकि नमक में थोड़ी सी पानी छोड़ते हैं। और भाजी में नमक और हल्दी एक साथ डालें ताकि हल्दी भी एब्जॉर्ब कर ले सब्जी नमक के साथ। नमक में थोड़ी सी पानी छोड़ेंगे उस इसमें वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए नमक हल्दी डाल के फिर से इसको ढक देते हैं। इसको ढक के देखिए पका ली हूँ। ये पकना शुरू हो गए हैं। इसको पकने में ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगेंगे। और देखिए ये सब्जी पकना शुरू हो गया और ऑयल भी ये छोड़ने लगे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल भी ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। देखिए ये ऑयल छोड़ने लगे हैं। कैमरा में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये ऑयल छोड़ने लगे हैं फ्रेंड्स। तो इसको चलिए इसमें अब सारे मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि ये पकना शुरू पक गए हैं। अब मसाले डाल देंगे, मसाले के साथ ये 2 मिनट पक जाएंगे, ये सब्जी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले में मैं यहाँ तीखा मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं अभी कोई भी मसाले नहीं डाली हूँ। तो ये मैं धनिया डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच तीखा मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च। और मैं यहाँ काली मिर्च 1/2 चम्मच जैसा डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी खटास और ये लाने के लिए मैं यहाँ देखिए इसमें खटास लाने के लिए मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जैसा, उसको भी इसमें डाल देते हैं ताकि वो ठीक से थोड़ी सी चटपटी बन जाए। तो चलिए इसमें डाल दिए हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ अब चलिए इसमें एक और मसाले डालती हूँ। मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इसमें इसका टेस्ट दोगुना हो जाएंगे और वो भी 1/2 चम्मच है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना, बस बेसिक मसाले ही डालने हैं फ्रेंड्स, हो गए हैं। अब चलिए इसको मसाले पकने के लिए भी 2 मिनट इसको ढक के पकाते हैं। मसाले सारे मिला लिए हैं, देखिए देखिए। और ये पकने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छे हो गए हैं। देखिए इसका कलर देखिए हल्की सी ग्रीन ब्राउन में हो जाएंगे में भी और ये टेस्टी ये तो देखने में करेले की प्रजाति का, पर इसमें थोड़ी सी कड़वाहट नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको ये सिर्फ बरसात में ही आती हैं, 2 महीने ही आएंगे, तो इसको ज़रूर आप बना के खाएँ। ये दुनिया के सबसे टेस्टी और ताकतवर है, तो इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे सब्जी बन के तैयार है, चलिए खाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। एम के लिविंग लाइफ से वह पेज है। तो फ्रेंड्स सब्जी देखिए आँख खुलवा रही है, कितने टेस्टी और कितने मज़ेदार बने हुए हैं। तो चलिए अब इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाओ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और सब बहुत अच्छे से खाएंगे भी। इस तरह के मसाले के साथ आप अगर बनाओगे तो ये सब्जी सब चाट के खाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।